NRMUAIRS की ओर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। बकायदा इसके लिए रेलवे की ओर से सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया जाएगा। यह रोष अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। यह कार्यक्रम 14 से 19 सितंबर तक जनसंपर्क सप्ताह कार्यक्रम के तहत मनाया जाएगा, जिसमें मोटरसाइकिल रैली निकालने के साथ साथ मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। इस मामले को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अंबाला मंडल सचिव CS बाजवा की ओर से पत्रकार वार्ता कर मामले की जानकारी दी और उन्होंने किस तरह से रेलवे निजीकरण को की ओर बढ़ रहा है इसके मामले में भी अवगत कराया। आज ऑल इंडिया रेलवे कॉर्पोरेशन के आह्वान के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में ये तय किया गया है कि रेल बचाओ देश बचाओ, क्योंकि जैसे आप सभी लोग जानते हो कि अभी भारत सरकार ने 109 रूट के ऊपर 151 ट्रेन और वो प्राइम रूट हैं जिसके ऊपर हमेशा से बहुत ट्रैफिक रहता है वो चलाने की बात है। और ये मुद्दा काफ़ी दिनों से फेडरेशन इसको बहुत सीरियस तरीके से लड़ रही है, तो उसमें डिफरेंट स्टैंड के ऊपर बात होने के बाद ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने अपनी वर्किंग कमेटी बुला के यह फैसला किया कि हम लोग 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक पूरे हिंदुस्तान में जन जागरण करेंगे और उस जन जागरण से सबसे ज़्यादा जरूरी कि रेल कर्मचारी तो उससे जो है जानकार है ही है, प्रभावित भी है, अफेक्टेड भी है, परंतु उसके ऊपर उठ के, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे आप जानते हैं कि 40% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और आज 20 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं लॉकडाउन के चलते, 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। जैसे आप अंबाला स्टेशन के ऊपर आके देखते थे कि यहाँ पर जो ठेकेदार थे नीचे हमारे गरीब लेबर जो सफाई का काम करती थी, सैनिटेशन का काम करती थी, उनको इन लॉकडाउन के पीरियड के बीच में सब लोगों को हटा दिया गया और उनको कोई सैलरी नहीं दी गई और आज उसमें से खाली 10% वर्क फोर्स जो है वो भी पहले अगर किसी को 7500 रुपये मिलता था तो आज खाली उसको 3000 रुपये मिलता। तो ये परिस्थितियाँ जो है भारतीय रेल में पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे देश में, और लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों ने खुद देखा है कि हमारा प्रवासी मजदूर, हमारा भट्टा मजदूर, हमारा ठेले वाला, हमारा रोज मर्रा की ज़िंदगी में जो अपनी दिहाड़ी कमा के जो है वो गुजारा करता था वो सारे के सारे अपने अपने पेरेंटल गांव की तरफ जब दौड़े तो कुछ रास्ते में धक्के मर गए, कुछ लोगों की एक्सीडेंट से डेथ हुई, किस लोगों की भुखमरी से डेथ हुई, किस लोगों की, अगर आपने जब देखा था कि हम लोगों ने श्रमिक स्पेशल चलाई थी तो श्रमिक स्पेशल में भी तब जो है जब कांग्रेस सरकार ने थोड़ा हल्ला किया तो 40 लोगों की जानकारी मिली थी कि 40 लोग उसमें जीवन की डेथ हो गई, उसके बाद अब जानकारी 80 लोगों की डेथ हो गई। तो वो सारे सिनेरियो को देखते हुए आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में क्योंकि 130 करोड़ आबादी में से मैक्सिमम लोग जो है 90% लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। और अगर ये भारतीय रेल जो है इसमें आप देखते हैं कि अंबाला से चंडीगढ़ लोग नौकरी जाते हैं, अंबाला से पटियाला जाते हैं, ऐसे जो है वाइस वर्सा आप देखें जगाधरी से यहाँ आते हैं, यहाँ से बराड़ा रोड सेक्शन पर जाते हैं, तो ये जो हमारे छोटे एम्प्लाई हैं जो 10,000, 15,000, 12,000 कमाने वाले हैं उनका MST बनता है 1 महीने का, QST बनता है 3 महीने का, जो बड़े नॉमिनल चार्जेस के ऊपर बनाया जाता है। तो
तो आप इन चीज़ों को सारा ये महसूस कर सकते हैं कि ये जो पॉलिसियां आज के डेट में भारत सरकार स्पेशली मोदी सरकार जो है वो रेल को प्राइवेट करके जो है ये निजी हाथों में जो सौंपना चाहती है, तो उससे हमारा जो गरीब वर्ग है, और जो आप ये भी जानते हैं कि कंसेशन जैसे हिंदू भारतीय रेल में 200 तरह के शायद कंसेशन हैं जिनको गिनना भी आपको मुश्किल होगा। जैसे उसमें कोई हमारे कैंसर पेशेंट हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप हमारे पत्रकार साथी भी हैं, और हमारे जो है जिनको कोई वीरता का मिला होता है वो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। परंतु जैसे ये प्राइवेट हो जाएगी तो ये सारे प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगे।